हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेकी हीलिंग वर्ल्ड 8। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं लेके आई हूँ आज एक फ्रेश रीडिंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर। वो रीडिंग रहेगी, आपने थी था पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना है। तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें और थोड़ा मेडिटेट करें। आप एक कैंडल फ्लेम को देख के भी मेडिटेट कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। सो डियर यूनिवर्स, डियर टैरो एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो। आज सिर्फ विचार देखेंगे उनकी एनर्जीज। आपने बस ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव रहेंगे। देखिए एनर्जीज जो हैं वो हमारी एनर्जी के बिहाव पे ही रीडिंग होती है हमेशा। अगर हम लो एनर्जी में हैं तो आपको नेगेटिव ही ज़्यादा दिखेगा। तो एनर्जीज थोड़ा पॉजिटिव करें और रीडिंग को ध्यान से सुनें, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। चल, आई होप आपने अपने पार्टनर के बारे में सोच लिया होगा, चैट कर लिया होगा। तो डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, करंट एनर्जीज क्या हैं। चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स। चलिए एनर्जीज क्या हैं। वाह, बहुत ही अच्छी कितना एनर्जीज हैं। सिक्स नंबर ज़्यादा आया है तो इट मींस ये जो है वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है, या मैरिज को या लव अफेयर को। तो आप में से बहुत सारे लोग अभी नए नए ही एक दूसरे के जो हैं वो एनर्जीज के अंदर आए हैं, कनेक्ट हुए हैं, बिल्कुल नए हों। और किसी किसी के लिए ये पुराना प्यार भी हो सकता है, जो स्कूल टाइम का भी हो सकता है, बचपन का प्यार कह लो। सो सबसे पहला जो कार्ड निकल के आया है दैट इज फोर ऑफ वॉन्ड्स। इट मींस सेलिब्रेशन, आपके साथ लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी का वो सोच रहे हैं। उनकी जो एनर्जीज हैं वो लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी वाली हैं, टाइम पास वाली एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है। और सिक्स ऑफ कप के साथ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड आया है, इट मींस वो आप को कुछ ऑफर करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए ये एज डिफरेंस भी हो सकता है। सो ये भी हो सकता है आप लोग 5-6 साल का डिफरेंस है एक दूसरे के बीच। और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड आया है, इट मींस वो आपके साथ कहीं ट्रैवल करने की जो है मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। ये भी हो सकता है वो कहीं पहाड़ियों पे आपके साथ जाना चाहते हैं, या कहीं फॉरेन आपके साथ जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड है ये। और यस, विदेश का तो ये मुझे पूरा दिख रहा है। चैरियट है, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल का कहीं प्लान कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, रीकनेक्शन का भी ये कार्ड है। सो देखिए एनर्जीज जो हैं वो जो मैं रीड कर पा रही हूँ वो ये है कि लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी के साथ वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन पास्ट में उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया था जिस वजह से आपने फॉरगिव कर दिया था, मतलब गिव अप कर दिया था, सॉरी। सो फाइव ऑफ कप्स, अभी वो बहुत होपलेस हैं, आपके किसी के चक्कर में आपको छोड़ा गया है। और देखिए अब एल्यूजन में जी रहे हैं, अलग अलग तरीके की प्लानिंग्स बना रहे हैं और इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो एक बार सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे पार्टनर, मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके करंट इमोशंस और एनर्जीज हैं। ओके, देखिए सेवन ऑफ कप्स को जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड। इट मींस ये बहुत सारी ना हवाई योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो कुछ इन्होंने पास्ट में जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया था। फाइव ऑफ कप को क्लैरिफाई करें। ओके, ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड आया है। तो जो आपके पार्टनर जो हैं वो अभी ये सोच रहे हैं, अभी तो बहुत कल्पनाएं चल रही हैं, अलग अलग तरीके की प्लानिंग्स हो रही हैं, पर पहले पास्ट में इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, अब ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे एक्शन लेते हुए ये दिख रहे हैं। अब फाइव ऑफ स्वॉर्ड को, सॉरी फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है आपके थ्री ऑफ स्वॉर्ड ने। इट मीन्स ये इनका अभी अभी ताज़ा ताज़ा बिल्कुल
हार्ट ब्रेक हुआ है, जिस किसी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था वो बंदा या बंदी ने चीट करके चला गया है, और ये इतने बुरे तरीके से परेशान हो गए हैं कि इनको रास्ता तक नहीं दिख रहा है, अपने घर तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल इनको लग रहा है कि इनके इमोशन के साथ खेला गया है, इनके साथ जो है वो चिकनी चुकड़ी जो कहते हैं ना बातें करके बेवकूफ़ बनाया गया है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल पेन में है, और बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं हम कि इनके साथ धोखा हुआ है, इनके इनकी पीठ पे जो है वो छुरा घोंपा गया है, इस तरीके की जो है वो एनर्जीज हैं। सो काफ़ी परेशान लग रहे हैं। आपके लिए ये क्या सोच रहे हैं कि आप किस मुंह से ये आपके पास आए, और है भी एक्चुअल में जब हम गलत करते हैं तो उसके बाद देखो वापिस फिर आई कांटेक्ट करना, सामने वाले के साथ नज़रें मिलाना के लायक तो रहते नहीं हैं। तो उस तरीके की एनर्जीज़ हैं कि अभी ये सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें, कैसे आपको पाया जाए, कैसे आप तक पहुंचा कैसे जाए, अब क्या रास्ता देखा जाए। ऐसा आप देखिए द चैरिट को क्लैरिफाई कर रहा है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट मीन्स पास्ट में ये आपकी तरफ बढ़े थे लेकिन रुक गए थे, जब इन्होंने मेन टाइम था जब जैसे एंड मोमेंट था तो उस टाइम में पीछे हट गए थे। तो अब मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपकी तरफ कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं। वॉन्ड्स हमेशा प्लान्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये किंग स्टाइल में आएंगे, नेम फेम के साथ आएंगे, प्रॉपर प्रॉपर जैसे एक फाइनल ये जो है वो बात करने वाला कार्ड है जिसमें ये 100% मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो एनर्जीज आने वाली हैं देखिए, पर अब ये जो है एट ऑफ स्वॉर्ड आया है, ये इसलिए कि अगर वो आने वाले हैं तो नेक्स्ट क्या होगा, अगेन वही कन्फ्यूज़न इल्यूज़न, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। उनको अभी ऐसे लग रहा है कि वो बंधे हुए हैं, शायद इससे पहले भी उन्होंने आप तक पहुंचने का ट्राई किया होगा, आपको मैसेज कॉल करने की कोशिश की होगी, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन जो, अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, तो 100% हो चुकी है, लेकिन उस शर्म के मारे अब आप तक पहुँचने के लिए इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आप तक आया जाए। सो क्या कुछ और क्या सोच रहे हैं, और क्लैरिफाई करो इस कार्ड को अच्छे से, एट ऑफ स्वॉर्ड को। देखिए स्टॉक कर रहे हैं, आपको छुप छुप के देख रहे हैं, द हैंग्ड मैन आया है, इट मींस देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चीजें आगे बढ़ रही हैं, आपके साथ कुछ आगे प्लान हो सकता है। तो इस तरीके की मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। तो डियर यूनिवर्स मुझे और बताएं। ओके एक और कार्ड आया है, फोर ऑफ पेंटिकल, तो बढ़ेंगे भी। ओहो दो कार्ड आए हैं, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, तो इसका मतलब ये है कि ये 100% मैरिज का आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, और मुझे चीज़ें आगे बढ़ते हुए भी दिख रही हैं, आगे इन द सेंस कि इसका ना जो एनर्जीज हैं, जो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हैं, वो कुछ करने वाली हैं। ये नहीं कि अब बहुत हो गया ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, आ जाते हैं वो कई बार, जैसे 2 महीने में एक बार वापस आ गए, किसी किसी के लिए तो 2 साल का भी टाइम पीरियड है, उनको पता है कि कुछ नहीं सब ठीक हो जाता है हमारे बीच, लेकिन अब जो है वो एक पक्के तरीके से आपके पास आना चाहते हैं, एक अच्छे तरीके से जिसमें उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, वाव, तो नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल मीन्स वो आपको पेंटिकल ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, और मेरी तरफ से 100% आपको जो है इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलेगी। सो बी पॉजिटिव, बी काम एंड बी स्टेबल, खुश रहें और अपनी एनर्जीज को हाई रखें। एनर्जीज हाई रखने के लिए आप अफर्मेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। ओके सो आगे क्या होगा, आगे आपको 100% विक्ट्री मिलेगी, और इस रिश्ते में आपको एक नाम मिलेगा, आपका जो है फैमिलीज जो है वो मान जाएंगी, और एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, वो आपको स्टेबल जो है वो कुछ ऑफर करना चाहते हैं, और वो अब आपके लिए हर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो यही थी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।